तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जाने वाले हैं डिकाथलॉन, जो कि हमारे जमशेदपुर में नया खुला है। और जब लास्ट टाइम मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर मैंने देखा था कि वहाँ पे मतलब जो है एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैंपिंग का जो किट रहता है या कैंपिंग टेंट रहता है वो देखने को मिला था, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को। और डेफिनेटली कहीं भी घूमने हम लोग जाते हैं तो कैंपिंग टेंट का हमेशा ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। और वहाँ पर जो है ना, वो कोई एवरेज साइज़ का कैंपिंग टेंट नहीं था, वो एक घर के साइज़ का कैंपिंग टेंट था, जिसको आज हम लोग जाकर परचेस करने वाले हैं। और थंबनेल में देख के समझ गए होंगे कि मतलब किस टाइप का ये जो है कैंपिंग टेंट है। तो हम लोग चलो इसको चल के बाय करते हैं और इसका पूरा जो है सेटअप वहाँ पे देखने वाले कि किस तरीका से ये जो कैंपिंग टेंट है या फिर कैंपिंग उसके अंदर सेट है या फिर जो भी चीज़ उसके अंदर है वो किस तरीके से सेटअप होगा और कितना खर्चा आता है और कितना ज़्यादा वो यूज़फुल रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और काफ़ी दिन बाद आया हूँ तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और चलो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं डिकाथलॉन में, और ये जो देख रहे हैं आप लोग सबसे बड़ा यहाँ पे जो है कैंपिंग टेंट है। तो अभी क्या है ना कि यहाँ पे जो है ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है, और जो यहाँ पे शो के लिए लगाया हुआ है हम लोग उसी को परचेज करने वाले हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि अंदर से गंदा हो चुका है, क्योंकि काफी दिन से यहाँ पे ये लगा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा बहुत साफ सफाई करा रहे थे, फिर उसके बाद इसको वापस से अनपैक कराएंगे, फिर उसके बाद वापस से जो है इसको बिल्ड कराएंगे और दिखाएंगे किस तरीके से जो है बिल्ड होता है। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं डिकाथलॉन के जो ऊपर वाले पार्ट है, यहाँ पे हम लोगों को मिलता है ये कैंपिंग टेंट सब। तो यहाँ देख सकते हो ये चेयर वगैरह भी काफ़ी सही है, 1199 का है, ये 1599 का है, काफ़ी स्टेबल और स्मूथ है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये जो है ना ये पैक होने के बाद हमारा जो कैंप है ये कुछ इस तरीके का दिखता है, काफ़ी लाइट वेट रहता है और इसको आप लोग आराम से कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल और स्ट्रांग भी है ये। और कैंपिंग टेंट को अगर हटा दें तो उसके बाद भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्स के सामान है, तो आप लोग यहाँ पे आके परचेस कर सकते हो, देखो काफ़ी बढ़िया है ये। तो यहाँ थोड़े देर लगेगा हम लोग ये टेंट को क्लीन कराने में, तब तक यहाँ आप लोग को दिखा दो किसका जो प्राइस है 11999 है, आप लोग इसको परचेस कर सकते हो, काफ़ी यूज साइज़ का ये, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये थोड़ा देर में ये क्लीन हो जाएगा कम्प्लीटली, फिर इसके अंदर जाके हम लोग देखें कि किस तरीके का और क्या क्या इसके अंदर जो है फीचर। तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं और देखते हैं। सर भैया लाइट लाइट है यहाँ पे, आप लोग लाइट लगा सकते हो, क्योंकि अगर अंधेरा हो तो यहाँ पे जो लांटेन आते हैं ना इलेक्ट्रिक वाले, डिजिटल वाले लांटेन जो आते हैं उसको यहाँ पे लगा सकते हो, प्लस ये जो है कंप्लीट लाइट कर देगा इसके अंदर। और अगर खोलना है ऑक्सीजन देना है तो वही यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के लिए सारा कुछ है। बारिश वगैरह होता है या तूफान वगैरह नहीं होता है, पूरा रेजिस्टेंट है बारिश तूफान के, पूरा रेजिस्टेंट है और कम्प्लीट देख सकते हो आप लोग, काफी अच्छा बिल्ड है इसका और काफी खूबसूरत बिल्ड है और ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ है। तो एक बार आके आप चेक कर सकते हो, दिक्कत ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जैसा कि मैंने देखा नोटिफाइन का ऑप्शन था तो बेसिकली अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो शो के लिए लगाया हुआ था हम लोग उसी को उठा लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये चाहिए, अच्छा लग रहा है। ठीक है, वेट के बारे में तो वापस से इसको हम लोगों ने वापस अनपैक कर दिया है, सारा चीज़ को डिसअसेंबल हो चुका है, अब हम लोग इसको जो है बंद कर रहे हैं क्योंकि इसको पैक करके अब ले जाने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सब कुछ रेडी हो चुका है, अब इसको डालेंगे हम लोग इसके बॉक्स के अंदर या फिर जो भी इसका रखने के लिए जो बनाया गया है इसके अंदर हम लोग इसको डालेंगे, और ये जो है आसानी से सब कुछ इसके अंदर फिट हो जाता है, जो छोटा सा बैग है।
और इस तरीके से सारा कुछ इसके अंदर फिट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इसके रॉड्स है ना उसको इसके ऊपर हम लोग रख देंगे। तो ये जो दो सेट्स मिलते हैं रॉड के, तो हम लोग को क्या करना है कि ये दोनों सेट्स को इस तरीके से उठाना है और उसके बाद जो है इसके ऊपर हम लोग को रख देना है और ये जिप हो जाएगा बंद और हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा कम्प्लीटली रेडी। ये जो हमारा किट है ये कम्प्लीट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको बस ये जिप को इस तरीके से ऑफ कर देंगे और जैसे ये जिप जो है बंद हो जाता है ये हमारा जो है कैंपिंग टेंट ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग कि इसको थोड़ा बहुत हम लोग इसमें मेहनत करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी यूज साइज़ का भी है और थोड़ा सा ये भारी हो सकता है। बाकी ये वैसे उतना तो नहीं लगता है कि भारी होगा, उतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बढ़िया है ये, ठीक है। इसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है और काफ़ी बढ़िया भी है।